हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं जो पॉइंट डिस्कस करूंगा वो रिलेटेड टू मेसनर अफेक्ट्स है इन सुपर कंडक्टिविटी। इससे पहले की जो दो वीडियो हैं उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं अबाउट टू दी क्रिटिकल जो मैग्नेटिक फील्ड है कि उसका रोल क्या होगा इन सुपर कंडक्टिविटी, एंड इसको आप एच सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे। देन आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया टीसी, और ये जो टू वैल्यूज हैं एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की और जो टेम्परेचर की है, इनसे अबव जैसे ही आप जाएंगे तो सुपर कंडक्टिविटी जो है वो वैनिसिस हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, राइट। तो वहाँ ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो क्रिटिकल करंट है उसका क्या रोल है, राइट, आईसी का क्या रोल है। तो आईसी को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ एचआई, और इफ एचआई इज ग्रेटर देन एचसी तो तब भी जो है सुपर कंडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ इस जो टॉपिक के अंदर है मेसनर अफेक्ट के, उसमें क्या है कि हम लोगों के पास में एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अवेलेबल है, राइट। ये तो यहाँ जो है हमने क्या किया है कि इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को जो है टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखा हुआ है, और अब यहाँ क्या करते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके बाहर को निकल जाएंगी, ये पेनिट्रेट नहीं करेंगी उस मटेरियल को, राइट, इस वे में। तो यहाँ इस पिक्चर को जो है इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट को कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप देखते हैं कि ये इस सरफेस को, राइट, यहाँ ये जो मेटल है आपका बल्क में, बल्क सुपर कंडक्टर, इसको वो पेनिट्रेट नहीं करती है, इसके बाहर से वो निकलती है, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है ये एक्चुअली एक्सपेल करता है, राइट। यहाँ ये जो आपका मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है बल्क फॉर्म में, ये एक्सपेल करता है। एक्सपेल किसको करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। और कब करता है? जब टी जो है वो लेस देन टी सी हो, राइट। अगर आपने इस मटेरियल को कुछ इस वे के इस अरेंजमेंट में रखा हुआ है कि वहाँ आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, और कहाँ से कम कर सकते हैं, जो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर है बिलो दैट, तो तब क्या होगा, ये सिचुएशन होगी। और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि ये जो बल्क मटेरियल है, ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, राइट, तो यहाँ आपने क्या किया है, तो अब ये टी जो है वो ग्रेटर देन टी सी है, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके थ्रू पास हो जाएंगी। तो अब ये जो डिफरेंस हुआ, ये जो पर्टिकुलर जो फिनोमिना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि व्हेन टी इज ग्रेटर देन टी सी एंड व्हेन टी लेस देन टी सी, तो यहाँ ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो है एक्सपेल कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ सेंटर में इन इंटीरियर ऑफ दिस मटेरियल जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो जीरो होगा, राइट। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन साइड दी जो सुपर कंडक्टर है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हुई है, तो यहाँ बी जो है वो नॉन जीरो होगा, उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। तो अब यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ टी जो है लेस देन टी सी है, और ये फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किया है कि सुपर कंडक्टर जो है वो एक्सपेल करता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, राइट, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग जो बोलते हैं वो मेसनर अफेक्ट बोलते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि द फिनोमिना ऑफ एक्सपेलिंग, यहाँ एक्सपेल कर दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स को, एक्सपेलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स By a superconductor is known as Meissner effect.
राइट. सो दिस इज जस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ द मेजनर इफेक्ट. जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर ये पॉइंट है. तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो जीरो है. अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल का चैप्टर रीड किया है तो वहाँ जो बी था, ये जो बी है इंटीरियर में, उसको जो डिफाइन किया था म्यू नोट एच प्लस एम के थ्रू किया था. तो जहाँ एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. और एम जो है ये मैग्नेटाइजेशन है, कैपिटल एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन है. और यहाँ मैग्नेटाइजेशन को जो डिफाइन किया था कैपिटल एम को, वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटॉमिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो इस वे में वहाँ ये डिफाइन किया हुआ है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना है. तो अब यहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं कि बी तो जीरो है, यहाँ बी इनसाइड दिस जो है वो जीरो है. तो दैट मीन्स कि ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू जीरो. अब म्यू नॉट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एच प्लस एम यहाँ जीरो हो सकता है, राइट. और एच प्लस एम इज इक्वल टू जीरो है, सो यू कैन से दैट कि एच इज इक्वल टू माइनस एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम इज इक्वल टू जीरो. सो म्यू जीरो नहीं हो सकता, तो एच प्लस एम इज इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हियर यू कैन से एच इज इक्वल टू माइनस एम. एंड नाउ द सेकेंड थिंग, अब अगर आपने ससेप्टिबिलिटी डिफाइन करनी है तो आप ससेप्टिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, काई को, काई इज इक्वल टू एम अपॉन एच के थ्रू. तो काई इज इक्वल टू एम अपॉन एच, एम यहाँ पर जो एम है उसको एज इट इज लिख देते हैं, एच की जगह माइनस एम लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वन. सो काई जो यहाँ पर रिजल्ट आया है वो माइनस वन का आया है, और इट इंडिकेट दैट काई किन के लिए माइनस वन होगा, काई किन के लिए माइनस वन होगा, जो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उनके लिए जो काई है वो माइनस वन होगा. तो यहाँ ये जो कंडीशन अभी आपने ऑब्जर्व की कि व्हेन टी इज लेस देन टी सी देन दैट टाइम, ये जो सुपर कंडक्टर आपके पास में है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इंटरेक्ट नहीं करती और इसके बाहर से कुछ इस तरह से वो निकल जाएंगे, राइट. तो यहाँ जो है इनसाइड बी जो है वो जीरो है, ये बी जीरो है. तो ये जो सिचुएशन है एट दिस टाइम जो है वो इंडिकेट करती है कि ये जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है ये एक्चुअली परफेक्ट डायमैग्नेटिक है, एक पॉइंट, राइट. सो यहाँ वी आल्सो नो दैट कि जो परफेक्ट सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए रो जीरो होगा. तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अबाउट टू द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर, वन इज दी डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, और सेकंड जो है वो रेजिस्टिविटी है, राइट. तो ये यहाँ एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो टू प्रॉपर्टी है ना, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल एंड रेजिस्टिविटी, ये बोथ आर इंडिपेंडेंट. ये डायमैग्नेटिक और ये रेजिस्टिविटी, इनका एक दूसरे के साथ में अभी कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों सुपर कंडक्टर की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, राइट. तो यहाँ हम लोगों के पास में जो एक कंक्लूजन आया वो कंक्लूजन ये आया कि भाई जो आपका बी है वो जीरो होगा, राइट, व्हेन टी इज लेस देन टी सी. और ये तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं कि क्रिटिकल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, राइट. तो यहाँ आपने एक स्टार्टिंग में ये ग्राफ भी ऑब्जर्व किया था कि ये टी है और ये एच है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपने टी सी डिफाइन किया था और यहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आपने एच सी डिफाइन किया था. इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जब आप एच सी डिफाइन करते थे तो टी इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ जब टी सी डिफाइन करते हैं तो यहाँ एच इज इक्वल टू जीरो है, राइट. कि
इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर पर, जहां जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा, वहां एच जीरो है, दैट मीन्स कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन इसके बिलो जब आप चलेंगे तो तब क्या होगा, इसके बिलो अगर टेम्परेचर के आप रहेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से एक जो है आप बाउंड्री लाइन को देखते हैं कि एक कर्व मिलता है। अगर मैं टी सी से इस साइड को चलता हूँ तो यहाँ एच की ये वैल्यू आएगी, एक क्रिटिकल वैल्यू आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ और टेम्परेचर कम करता हूँ तो ये, और यहाँ और कम करूंगा तो ये और ज्यादा। तो ये जो पॉइंट अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, एक क्रिटिकल वैल्यू है टेम्परेचर की अभी भी, यहाँ बोल सकते हैं कि सी वन है, यहाँ टी सी टू है, या टी टू, टी थ्री, टी फोर, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर हैं एक्चुअली इट्सेल्फ। और तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, अगर आप टेम्परेचर कम रख रहे हैं तो यहाँ पे एच ज़्यादा होगा, तो तभी आपको वो जो मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग जो स्टेट है वो शो करेगा, राइट। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी मेजनर इफेक्ट में, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए, केवल मैं इतना कहूँगा कि बी जो है अभी आपने कंक्लूड कर दिया है कि जीरो होगा व्हेन टी इज लेस देन टी सी। यहाँ हम लोग जो फोकस कर रहे हैं अभी वो रो पर कर रहे हैं, तो रो फॉर द सुपर कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, सो ई विल बी इक्वल टू जीरो, सो इट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन, अगर ये ट्रू है तो वो फेराडे लॉ जो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और यहाँ आप डेल की जगह आप जो है डी लिख लें तो ज्यादा बेटर होगा, डी बी अपॉन डी टी। सो नाउ ई इज इक्वल टू जीरो, सो कर्ल ई जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो रिजल्ट होगा वो जीरो आ जाएगा, और इस साइड में आपका ये डी बी अपॉन डी टी होगा। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डी बी अपॉन डी टी इस वे में आएगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो है, इसका जो रेट है वो जीरो है, इट मीन्स कि जी बी है वो कॉन्स्टेंट है। तो अब यहाँ एक पॉइंट ये जो हम लोगों को मिल रहा है कि अब रेजिस्टिविटी तो हम लोगों को पता है कि सुपर कंडक्टिविटी की जीरो होगी। अगर हम ओम्स का लॉ वहाँ उस सुपर कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को ई जीरो मिलता है, और ई अगर जीरो मिलता है तो हम लोगों को फेराडे लॉ जो है वो भी वहाँ जेन्युइन है। अगर उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोगों को ये मिलता है कि बी कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ हम लोगों ने मटेरियल सेलेक्ट किया था, ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो सेलेक्ट किया था, तो इस मटेरियल के जो इनसाइड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट है, वो वेरी नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम लोग ये कंट्राडिक्शन आ चुका है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये सब एक्सप्लेनेशन आई थी जो आप लंडन इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहाँ से वो कंसेप्ट इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि रो जो है रेजिस्टिविटी, और लास्ट टॉपिक में आपने देखा कि ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिपेंडेंट। आई होप कि ये आइडिया मैं आपको क्लियर कर पाया हूँगा। सो इस वीडियो में केवल इतना ही, लेंथी हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट वट एवर यू थिंक वो आप करिए, और कोई सजेशन है तो वो भी आप दीजिए। सो थैंक यू सो मच।